कितना हाथी है लगभग यहाँ? यहाँ पर सिंगल घूमता है वो एक है, फिर उधर एक ग्रुप में तीन है, फिर बच्चा है उसमें 9 गो है। क्या नाम है? आश्रिता तपना। कितने बजे हाथी लगभग आया था रात में? 11:30 बजे। तो आप लोग कैसे भगा रहे हैं उसको? हम लोग फटाका उसमें बजा के और मसाल सब दागते हैं। क्या सुविधा हो रहा है आप लोग को भगाने में? कुछ सुविधा नहीं मिला है अभी तक। सुविधा नहीं मिला? नहीं। कैसे करेंगे रात में, फिर दोबारा आएगा तो? आएगा तो हम लोग नहीं सोएंगे, ये करेंगे, आग सब जलाएंगे। थोड़ा कितना घर को लगभग बिरनी बेड़ा में नुकसान किया अब तक? अभी तक में 7 घर टोटल, अब तक पूरा 7 घर को। हाँ। अभी मैं बानो प्रखंड अंतर्गत बेड़ारगी पंचायत के बिरनी बेड़ा गांव में हूँ, जहाँ पर जंगली हाथी का आतंक काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं, उसे जंगली हाथी ने अनाज खाने के उद्देश्य से यहाँ आकर उसके दीवार को तोड़ दिया है, घर को भी एक तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है दोनों तरफ में। क्या नाम है आपका? सुभाष तोपनो। गांव कौन सा है? बेरनी बेड़ा। कितना बजे हाथी ऐसा किया? 11:30 बजे। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? घर में ही थे। फिर कैसे बचाया जान? आवाज़ किया, यहाँ खपड़ा का आवाज़ किया तो हम बच्चा लोग को निकाले, उसके बाद फिर उधर सब बच्चा को निकाल के उस साइड से एक गो फटका दागे, उसके बाद वो साइड हो गया। कितना हाथी था? 1 गो था। तो जंगली क्षेत्र है यहाँ पर, अचानक अगर हमला कर देगा हाथी तो आप लोग पास क्या साधन है भगाने के लिए और भागने के लिए, क्या आप लोग सोच के रखे हैं? क्योंकि बता रहे थे कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है भगाने के लिए, ऐसे ही अपना फटका उटका खरीदे हैं उसी से बजाते हैं। हमर हाथी जो एप्लीकेशन है उसमें भी ये लोकेशन दिखा रहा है, सुतरौली इलाकों में जंगली हाथी है, लेकिन इन इलाकों में वनकर्मियों द्वारा कुछ दिया गया है क्या यहाँ पर, टोर्च वगैरह, मसाल वगैरह हाथी भगाने के लिए कुछ भी? क्योंकि हाथी तो यही क्षेत्र में घूम रहा है, कुछ मिला अभी तक? नहीं, 1 साल पहले दिया था बीते साल, इस बार नहीं दिया है। तो लोकेशन में अभी हाथी दिखा रहा है यही क्षेत्र में है, तो कोई वनकर्मी इधर आके आप लोगों को कुछ देखे गया मसाल वगैरह कि आप लोग हाथी भगाना है? अबर नहीं देखे गया है। नहीं देखे गया? नहीं। तो कैसे आप बचाएंगे अभी, मतलब एक तरह से जान, क्योंकि अचानक किसी पे भी हमला हो सकता है, जैसे आसपास से। या तो 2 दिन हो गया ना हाथी घूम रहा है? हाँ, 2 दिन नहीं, कितना दिन हुआ? हो रहा है 3-4 महीना लगस्ते हो रहा है, एक सप्ताह बाद एक सप्ताह आइए जाता है, एक दो दिन बाद आइए जाता है। अभी किधर है हाथी? अभी तो जंगल में है, बगल में ही। हाँ। तो रात में फिर दोबारा आएगा। तो अभी आप लोग क्या जुगाड़ करके कैसे भगा रहे हैं उसको, हाथी को? कोई जुगाड़ नहीं, आग जलाते हैं, बैठे रहते हैं रात भर, बारी बारी करके सोते हैं। अच्छा, फिर बच्चा लोग भी तो पढ़ नहीं पा रहा है इस समय? नहीं, बच्चा लोग को सुला देते हैं, उसको तो बारी बारी करके हम लोग जागते रहते हैं रात भर। आप लोग का धान कहाँ पे रखा हुआ था अनाज? इधर साइड वो अंदर अंदर था। हाँ। उस दीवार के अंदर था। हाँ। तो इसी वजह से हो सकता है हाथी नहीं कर पाया ना इसको। हाँ। दरवाजा से घुसने का मतलब हाथी का एक तरह से प्लान था ना? नहीं, तब तक हम लोग जान गए और वही उधर निकले और फटका बजाए, इसीलिए वो साइड हो गया। और गांव वाला भी तब तक आ गए थे फटाका का आवाज़ सुन के। बिरनी बेड़ा एक तरह से देखा जाए तो बानो प्रखंड और रनिया प्रखंड का बॉर्डर क्षेत्र है, और यहाँ पर किनारे में एक कोयल नदी भी है, जिसके वजह से पानी की सुविधा जंगली हाथी के लिए है, और यही कारण है कि ये क्षेत्र छोड़कर जाना नहीं चाहता है। हम लोग को सुविधा चाहिए मसाल सब भगाने के लिए, फटाका सब, टॉर्च सब हम लोग के लिए चाहिए। हाथी को देखे थे रात में? देखे थे। अच्छा, कितना कितना संख्या बता रहे थे उधर में भी है जंगल में? रात को तो एक, रात में 1 गो आया था, फिर उधर सुतरौली तरफ 3 गो, फिर उबेड़ेर की तरफ 9 गो। 9 गो, मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरे सिमडेगा क्षेत्र में बानो ही प्रखंड ऐसा है जहां पर इतने ज़्यादा संख्या में जंगली हाथियों का जमावड़ा है, मगर यहाँ के वनकर्मियों द्वारा किसी तरह के ग्रामीणों को मसाल वगैरह जो है मुहैया नहीं कराया जा रहा है। क्योंकि हमर हाथी जो एप्लीकेशन है वहाँ पर तो सारा लोकेशन में दिख ही रहा है कि इन क्षेत्रों में जंगली हाथी पहुँच गए हैं, तो उनका एक ड्यूटी होता है कि इन क्षेत्रों में आकर ग्रामीणों को मसाल वगैरह दिया जाए। क्या नाम है? जून तपना। हाथी अगर दोबारा फिर आएगा क्या सुविधा से आप भगाएंगे उसको, क्या क्या साधन है आपके पास? अभी तो हमारे पास कोई साधन नहीं है,
खाली बैठते हैं, आग जलाते हैं, फटाका बजाते हैं, बस उतना ही। उसके बाद में घूमते हैं जहाँ तक सकते हैं। तो एक तरह से गांव में मतलब ये हो जाता है ना, सन्नाटा छा जाता है जी। कांठी से नहीं सुनते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब साधन नहीं है, साधन नहीं है। यहाँ पर बच्चे लोग भी हैं। हाथी देखा था जी रात में? हाथी देखे थे। देखे था? हाँ। कितना को था हाथी? एगो। एगो? हाँ। किधर भागा? उधर। तुम लोग भगाने में भी था? हाँ। अच्छा, रात में भगाया? हाँ। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पे और एक बार दिखा देना चाहूँगा दीवार कैसे जंगली हाथी ने ध्वस्त किया है। चूँकि अनाज जो है दीवार के उस पार था, इसी वजह से जंगली हाथी इस दीवार को नहीं गिरा पाया और तुरंत जो है ये लोग फटाके बजाए, जिसके वजह से जंगली हाथी भाग गया। इससे पहले आप बता रहे थे कि वहाँ पर भी मतलब घर को तोड़ा था ना? हाँ। तो 7 घरों को जंगली हाथी नुकसान पहुँचा चुका है। जान माल की हानि एरिया में किसी का? अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन एक दिन बाल बाल बचे। अच्छा, आप घायल हो गए थे, ये पूरा निशान दिखाइए। ये पूरा लगे थे आप? हाँ, इधर लगे थे पूरा। ये कब का चोट है? एक सप्ताह पहले। एक सप्ताह? हाँ। कैसे हुआ ये सब? उस दिन भी आया था, घर तोड़ रहा था। हाँ। तो हम लोग इधर किनारे है घर, बच्चों को यहाँ से बाहर निकाल रहे थे और भाग रहे थे। तो जैसे हम टॉर्च मारे तो मेरा पीछा किया, हम देखे तो तब तक हम गिर गए। गिरे, उसके बाद में हम देखे मेरा से कम 15-20 कदम में था वो। हाँ, मेरा ही तरफ। हाँ, मेरा ही तरफ आ रहा था। आप नीचे गिरे हुए हैं? हाँ, गिरे एकदम सामने आपको देख रहा है। हाँ, आ रहा था, आ ही रहा था। हाँ। उसके बाद हम उठे, फिर एक कदम बढ़ाए कि पत्थर था, पत्थर में फिर फंस गए, फिर गिर गए। हाँ। तो वहाँ एक तो शरीफा का पेड़ था, उसमें धक्का लग गया हाथी। हाथी और जोर से चिल्लाया, तब तक मेरा टॉर्च बुझ गया और हम वहीं थे और हाथी लौट गया। हाँ, उसके बाद हमको देखने नहीं सका शायद कि कैसे उसके बाद साइड हो गया। लेकिन अगर हाथी उस जगह देख लेता तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ, मुश्किल था। वही शरीफा था, 2 कदम था बस यहाँ और उतना दूर। इतने दूर में हाथी था? हाँ, ये वाला शरीफा का पेड़ हुआ और हम इतना में गिरे थे। अच्छा अच्छा, और हाथी इतना ही सामने था? हाँ, इतने ही सामने था। कहाँ कहाँ चोट लगे हैं? ये घुटना में लगा, अभी तो ये हो गया, इधर भी लगा था। एक सप्ताह पहले का बात है। हाँ, और छाती में लगा था, जो पत्थर में लगे थे हम। छाती में? हाँ। बताइए, आपको जानकारी देना चाहिए ना इसका, इस तरह से यहाँ पे अभी भी हाल फिलहाल में भी ऐसा मतलब कोई ऐसा घायल हुआ है क्या? ऐसा तो अभी तक कोई नहीं हुआ है। तो देखिए, गांव के ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डालकर जंगली हाथी को भगाते हैं और इनकी जान भी चली जाती अगर वहां पर लाइट ऑफ नहीं होता। तो लाइट ऑफ हो गया, जिसकी वजह से इनकी जान बच गई। और इसी तरह का मामला मैंने आपको पहले भी दिखाया है बांकी पंचायत के अंतर्गत, जहाँ पर जंगली हाथी को भगाने के दौरान एक व्यक्ति का जो है पैर की हड्डी बाहर आ गया था, काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से वो व्यक्ति घायल हो गया था। और इसी तरह के लगातार मामले बानो प्रखंड के हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और जंगली हाथी इन क्षेत्रों में घूम घूम कर हर घर को निशाना बना रहा है। क्या करना?